वैसे तो ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप घर में भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। मेरी वीडियो चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और घर पर भी बहुत आसानी से बनाई जाती है। चाट सभी लोगों को बहुत पसंद है, चाट बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। झटपट चाट बनाने के लिए मैंने ये 5 आलू ले लिए हैं और इसको मैं कद्दूकस करती हूँ, क्योंकि कद्दूकस करने से ये अच्छे से पिस जाते हैं। इन सभी आलू को हम ऐसे कद्दूकस कर देंगे। इन आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है, आधा चम्मच नमक, एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 चम्मच हरे मटर, बहुत ही महीन महीन पीस लिए हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इन मटरों से हमारी टिक्की में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और कुरकुरी बनेगी। ये 2 बड़े चम्मच अरारोट है, इसकी जगह हम 2 ब्रेड के पीस पीस के डाल सकते हैं। इसको डालने से हमारी टिक्की अच्छी तरह से चिपक जाएगी और कुरकुरी बनेगी। इसका हम डो बना लेते हैं। ये हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे हाथों को और इसकी हम टिक्की बनाएंगे। हम टिक्की को साइज भी बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पहले इसका हम गोला बनाएंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, पहले गोल करके फिर इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारी 6 टिक्की बन गई है और इसको हम तल लेते हैं। इसको हम आयरन की कढ़ाई में भी तल सकते हैं और पैन में भी तल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा तेल डाल के पैन में तलूंगी। मैंने पैन को फ्लेम के ऊपर रख दिया है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच तेल के डाले हैं। टिक्की डाल देती हूँ, अगर आप चाहें तो आयरन की कढ़ाई में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। ये एक तरफ से बन चुकी है, हम पलट देते हैं। वो कम तेल में सेक रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग तेल खाना कम पसंद करते हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर इसको अच्छे से सेकना है, क्योंकि इसको हमें खूब करारा करना होता है। इसको हम बराबर चलाते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए ये टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इनको दबा दबा के खूब करारा कर लिया है, ताकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ सके। ये गुड़ और इमली की चटनी है, मैंने इसको बना के रख ली थी। हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं 5-6 महीने के लिए, ये ख़राब नहीं होती। और ये हम हरे धनिया की चटनी, जिसे हम फ्रेश ही बना के रख लेते हैं। ये दही है, इसमें मैंने आधी चम्मच चीनी डाल ली है। अब हम इसके ऊपर से दही डाल देते हैं। और ये खट्टी मीठी चटनी है, इसको हम डाल देते हैं ऊपर से। धनिया की चटनी है, इसे डाल देते हैं ऊपर से। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं। ये हमारी चाट बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें।